हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं महाकाली वास्तु ज्योतिष से अमूल्य बात कर रहा हूँ। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आप कर्जे से परेशानी है तो क्या उपाय करें। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत हो चुका है, हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें कर्जा उतर जाए। अगर हमें पता होना चाहिए कर्जा कौन सा दिन लेना चाहिए, कौन सा दिन चुकाना चाहिए। अगर आप कोई अच्छा दिन में या कोई शुभ दिन में कर्जा आप लेते हैं तो आपका कर्ज का चुकाना बहुत आसान हो जाएगा। और सही दिन में अगर हम कर्जे चुकाते हैं वो भी हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, पैसा का आवक कम हो रहा है या पैसा कुछ कम कमा पा रहे हैं, कर्जे से फंस चुके हैं। कर्जा होने के बाद आपका जो मन में जो काम रहता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई या घर का कुछ सामान खरीदना या कुछ आगे बढ़ना, ये सब कुछ, या फिर बच्चों का शादियाँ करना या फिर खुद कुछ करना, या अगर आपका पास बिजनेस है उसको बिजनेस को बढ़ाना, तो ये सब चीज़ों में अगर कर्जे से आप मुक्ति अगर नहीं रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। और धीरे धीरे कर्जा आपका ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा, आप चिंतित होकर आप परेशान में रहेंगे, परेशान में रहते हैं तो कई प्रकार की रोग बीमारियां चालू हो जाता है। फिर आपके ऊपर अगर सारे परिवार अगर डिपेंडेंट है, सारे परिवार आश्रित है, तो आपकी परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। इसीलिए कर्जा ऐसा चीज़ है, भगवान करे किसी का ऊपर ना हो। अगर जिसका ऊपर हाओ अगर उसके पास इनकम का सोर्स कमी ना हो, अगर इनकम का सोर्स कम हो जाता है तो वह इंसान आगे कभी बढ़ नहीं पाता है। सबसे पहले हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए कर्जा कौन सा दिन लेना चाहिए। आप ध्यान रखिए, बुधवार का दिन कर्जा लेना अच्छा है। अगर उस दिन अगर आप बैंक से आप लोन ले रहे हैं या फिर किसी से अगर पैसा ले रहे हैं या किसी का पैसा का व्यवहार कर रहे हैं, वो तो आप बुधवार का दिन कीजिए। बुधवार का दिन आप पैसा ले सकते हैं, उस दिन बहुत अच्छा है। उस दिन लेने से आपका कर्जा मिटना तय है, आप पैसा रिटर्न दे सकते हैं। वो दिन ऐसा ही है, ऐसा दिन आए तो लेना ना पड़े। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर ऐसा आपके सामने परेशानी खड़ा हो चुका है, बगैर पैसा लिए आपका कार्य नहीं बनने वाला है, तो आप बुधवार का दिन पैसा लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप कर्जा मिटाना चाहते हैं, अगर आप वो पैसा रिटर्न देना चाहते हैं, तो कौन सा दिन देना चाहिए, ऐसा कौन सा दिन में हम पैसा रिटर्न करें जिससे हमारा कर्जा धीरे धीरे चुकता जाए, जैसे दुगुना होकर चुकता जाए, दुगुना होकर चुकता जाए। जैसे हमने आज 5,000 रुपया दिया, अगली बार जो आएगा हम उसको 10,000 दे सकते हैं, अगली बार उसको 15,000 दे सकते हैं, धीरे धीरे कर्जा मिट सकते हैं। उसके लिए हमें मंगलवार का दिन कर्जा चुकाना हमारे लिए सबसे अच्छा है। इस पे आपके पास कुंडली हो या न हो, ग्रह आपको कुछ पता है नहीं पता है, दशा बार ऐसा है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कर्जा मिटाना चाहते हैं, जो दिन आप रिटर्न करना चाहते हैं पैसा, आप खास करके मंगलवार का दिन कीजिए, फिर आप देखिए आपका धीरे धीरे कर्जा मिटता जाएगा। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जो था, कर्जा कौन सा दिन लेना चाहिए और कौन सा दिन मिटाना चाहिए। फिर कर्जा मिटने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कर्जा मिटने के लिए, कर्जा ना हो, कर्जा फटाफट हम उतर जाए, उसके लिए हम कौन सा उपाय करना चाहिए। ये छोटा छोटा हमारा अचूक उपाय, छोटा छोटा टिप्स है, आप कर सकते हैं। ये करने से यकीनन के साथ मैं कहता हूँ, भरोसे के साथ कीजिए, आपको फर्क पड़ना ही पड़ना है, फायदा होना ही होना है। तो इसके लिए आप ध्यान से हमारा चैनल को, हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, बाकी लोगों को भी हमारा जानकारी पहुँच सके। इसके लिए आज हम पॉइंट पर आ जाते हैं, क्योंकि हमें ये क्या रामबाण उपाय करना चाहिए जिससे हमारा कर्जा मिट सकता है। आप एक सूखा वाला एक नारियल ले सकते हैं, सूखा नारियल, जो सूखा नारियल आप देखेंगे जो हवन वगैरह में डालते हैं, तो वो सूखा नारियल ले लीजिए। सूखा नारियल का उनका जो मुंडी को काट दीजिए, काट के उनका जगह बना लीजिए। जगह बनाकर उसमें क्या करिए, सूजी का हलवा होता है, रवा का हलवा, रवा का हलवा बनाइए। रवा ये मंगलवार का दिन कीजिए, रवा का हलवा बनाकर, देसी घी में हलवा बनाकर, मंगलवार का दिन, मंगलवार का दिन आपने गणपति जी का मंदिर में जाइए। और गणपति जी का मंदिर में जाकर आप अपने गणपति जी का मंदिर का सामने वो प्रसाद को रख दीजिए। रख कर 5 घी का दीपक लगाइए, 5 घी का दीपक लगाकर
ओम गम गणपतये नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ये मंत्र का आपने 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार मन में पाठ करके वो गणपति जी का सामने मन में यही सोचिए कि हमारा जो कर्जा है वो धीरे धीरे मिट जाए, धीरे धीरे उतर जाए, हमें कर्जे से मुक्त कीजिए गणपति बाबा। क्योंकि गणपति जी विघ्नहर्ता है और ऋण मुक्ति है, कि कर्जा का सबसे ज़्यादा इस भगवान को पूजा करने से आपका फायदा मिलेगा। फिर हम दूसरी उपाय जो करेंगे सोमवार का दिन, अगर सोमवार के दिन हम क्या कर सकते हैं, आप शंकर जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर में कच्चा दूध और शक्कर मिलाइए, लोटे में मिलाकर पिसा हुआ चावल को मिलाकर हम क्या करेंगे, शिव जी का मंदिर में हम उनको शिव जी को अर्पण करेंगे। अगर शिव जी का मंदिर अगर आपका आसपास में नहीं है, नहीं जा पाते हैं, तो आपने क्या कर सकते, पीपल पेड़ के नीचे भी आप डाल सकते हैं, तो शिव जी का मंदिर में डालेंगे तो अति उत्तम है, तो डालिए। डालकर भगवान शंकर जी को बोलिए, महादेव जी हमारा कर्जे से हमें उपाय निवारण कीजिए, कर्जे हमारे ऊपर उतर नहीं रहा है, हम बहुत परेशानी है, हमें कर्जे से मुक्ति दीजिए। ये आपने क्या कीजिए, 11 सोमवार कीजिए, आप धीरे धीरे देखिए, ये बहुत बड़ा अचूक उपाय है, ये आपका सबसे अच्छा काम करेगा। आज हम कहना चाहते हैं तीसरा उपाय, आंवला का पेड़, आप पता होगा आंवला का जो झाड़ होता है, कार्तिक महीने में आप क्या करेंगे, कार्तिक महीना अगर आपको आने में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, उससे पहले बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो उससे जो पहले जो दो उपाय आप उसको लगातार कर सकते हैं, और ये आंवला का पेड़ के नीचे, ये मेरी तीसरा एकदम टोटके के उपाय, एकदम जबरदस्त उपाय आप कीजिए, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो आंवला का पेड़ में क्या करिए, चमेली का तेल, घी का दीपक आप 5 लगाइए, और चमेली का थोड़ा तेल लेके आंवला का पेड़ के नीचे थोड़ा डाल दीजिए। आप क्या करेंगे, जो 3 घी का दीपक लगाकर 11 अगरबत्ती लगाकर, आप क्या पीली सरसों जो आता है पेड़ों के नीचे डालकर, और मन में हाथ जोड़कर सुबह के टाइम में कीजिए, जो मैं उपाय बता रहा हूँ सुबह का टाइम में कीजिए, सुबह का टाइम आपका फलमल ज़्यादा होगा, क्योंकि सुबह का टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं है तो 10 बजे के पहले आप करने की ट्राई कीजिए। तो पीली सरसों डालकर भगवान से ये प्रे कीजिए कि हमारे ऊपर जो कर्जा है आप उनको उपाय के लिए, हमें इतना सारे जो मैं कर्जे से परेशान हूँ, आप हमें मुक्ति दीजिए, निवारण कीजिए। आप ये अटूक उपाय आप कीजिए, छोटे छोटे उपाय हम आपको बताते रहेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल पे आप हरदम देखिए, और अगली बार हम दूसरे टॉपिक को लेके आप लोगों के सामने आएंगे। नमस्कार।